हाय एंड हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये वीडियो किन के लिए है। ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट 2020 दिया था और केरल स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि केरल स्टेट में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट 2020 दिया था और उनके मार्क्स का रेंज क्या है। मतलब कहने का है कि 700 प्लस कितने बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने 700 प्लस स्कोर किया नीट 2020 में। कितने बच्चे हैं जिन्होंने 650 से 699 स्कोर किया है, 600 से 649 स्कोर किया है, 550 से 599 स्कोर किया और 500 से 549 स्कोर किया। कितने बच्चे हैं पहले हम बात कर लेते हैं। 2019 की ये तो हो चुका है और 2020 का भी नहीं आया, आपकी स्टेट की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डेटा देने वाला हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनका स्कोर इस रेंज में आ रहा है और केरल स्टेट को बिलोंग करते हैं बच्चा पार्टी। क्लियर हो गया इतना? चलो तो पहले अपन 2019 का देख लेते हैं। 2019 में एक भी बच्चे का, केरल के एक भी बच्चे का 700 प्लस मार्क्स नहीं आया था नीट 2019 में। 650 से 699 में 115 बच्चों का आया था, 600 से 649 इस रेंज में जो मार्क्स आया था वो 884 बच्चों का आया था, 550 से 599 मार्क्स 1671 बच्चों का आया था और 500 से 549 2440 बच्चों का आया था। ये 2019 का डेटा है। अब मैं आपको एक्साइटमेंट होगा 2020 के जानने का, तो मैं आपको 2020 का भी बता देता हूं। तो देखिए 2020 में अगर हम बात करें तो 700 प्लस जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे 13 है और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी स्टेट से है जिन्होंने 700 प्लस स्कोर किया है। याद रखिए इस बार केरल का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 630, बाबा रे आप देखिए ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीमेंट मिल रहा है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1725 है, यहाँ पे 2445 है, आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 2.2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब मोर देन 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे 2974 है। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये वाले बच्चे तो हमारे ऑल इंडिया में चले जाएंगे, कुछ एम्स में चले जाएंगे, कुछ ऑल इंडिया के कॉलेजेस के मैं चले जाएंगे, है ना। हमारी स्टेट की जो सीट्स बनना स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, मतलब 649 मार्क्स जिन बच्चों के कम हो गए वो स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, होम स्टेट से कॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे बच्चा। तो अब आप ये देख लो कि आपके स्टेट में कितनी जनरल की सीट्स हैं, है ना, होम स्टेट के लिए, और यहाँ से जनरल स्टूडेंट को कैलकुलेट कर लो। अब बोलोगे सर इसमें तो तीनों है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज हैं इसमें, तीनों नहीं, मतलब ऑल कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन दिस नंबर्स, इन दिस नंबर्स। तो आप क्या करो, आप इन दोनों को कैलकुलेट करो। मान के चलिए आपको लगता है कि आपके स्टेट का 550 कट ऑफ जाने वाला है, तो आप इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए। अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उसमें उसका आप 75% ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं जनरल और ओबीसी ही होते हैं, तो उनका 80% ले लीजिए। तो 80% स्टूडेंट आप ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी के हैं इस रेंज में। तो वहां से आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में कितनी जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके स्टेट का कट ऑफ क्या जाने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, गुड नाइट।